हेलो दोस्तों, निकीज किचन में स्वागत है आपका। आज मैं बना रही हूँ भंडारे वाले काले चने, जो नवरात्रि स्पेशल हैं। मैंने चने धोकर पानी में 4 घंटे भिगो दिए थे। ये देखिए चने फूल गए हैं। अब मैं चने उबाल लेती हूँ। मैं कुकर में चने ले रही हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हम चने सूखे बना रहे हैं। और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक उबालना है। 2 सीटी आ गई हैं और कुकर भी ठंडा हो गया है। कुकर खोलकर चने देख लेते हैं। ये देखिए चने अच्छी तरह से उबल गए हैं। अब चने का एक्स्ट्रा पानी छन्नी में डालकर निकाल लेते हैं। अब हम मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया। उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। हमें याद रखना है कि हमने चने उबालते समय भी नमक डाला था। अब मसाले अच्छी तरह से मिला देते हैं। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ पानी और अच्छी तरह से मिला देना है। अब मैं कढ़ाई में तेल ले लेती हूँ और तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और जीरा चटकने देंगे। ये देखिए जीरा चटकने लगा है। अब मैं इसमें ले रही हूँ हींग। हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ हरी मिर्च और इसे भून लेंगे। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक ले रही हूँ और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि अदरक का कच्चापन ना चला जाए। ये देखिए अदरक अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं मिला रही हूँ मिक्स किया हुआ मसाला। और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। मैंने सूखे मसाले में पानी इसलिए मिलाया था ताकि भूनते समय हमारा मसाला जल ना जाए। हमें मसाला तब तक भूनना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए चने और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये देखिए मसाला और चना अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब मैं इसे ढककर 2 मिनट और पका देती हूँ। दो मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे मसाला चना बनकर तैयार हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया मिला लेती हूँ और अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारी माता रानी का प्रसाद तैयार है। अब आप भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए।